देश भर के साथ बुलंदशहर में भी चीनी वायरस कोरोना लगातार अपने डंक से लोगों को शिकार बना रहा है। प्रशासन की तमाम सख्ती के बाद भी यहां प्रतिदिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। अगर 27 और 28 जून की बात की जाए तो सिर्फ बुलंदशहर में ही कोरोना के 30 नए मामले सामने आ चुके हैं। 27 जून यानी शनिवार को कोरोना के 20 मामले सामने आए थे, जिनमें खुर्जा में 11, सिकंदराबाद में 2, डिवाई में 2, अगोता 1, स्याना में 1 और बुलंदशहर के 3 मामले सामने आए थे। जबकि 28 जून यानी कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें खुर्जा 4, बुलंदशहर 2, सिकंदराबाद 2 और लखावटी में भी 2 नए मामले सामने आए हैं। अगर बुलंदशहर के कुल संक्रमितों की बात की जाए तो यहां कोरोना के अब तक कुल 586 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे राहत की बात यह है कि 411 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं बुलंदशहर में अब तक ऐसे 20 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई थी। अगर देश की बात की जाए तो 28 जून यानी आज मरीजों की संख्या 5,29,000 हो गई है। इस वायरस से अब तक 3,10,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि इस वायरस से अब तक 16,095 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारी खबर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।